हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने करीब 5 माह के भ्रूण को दफनाया। जानकारी देते हुए हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने बताया कि यह भ्रूण उन्हें सेक्टर 21 से ASI जगपाल द्वारा सौंपा गया था। इस मौके पर पावा ने सभी लोगों से अपील की कि बच्चों की इस तरह से दुर्गति ना करें। यदि आप लोग बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं तो हित चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क करें और बच्चों को उन्हें सौंप दें ताकि वे उन्हें एक अच्छी परवरिश दे सकें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस तरह के कृत्य घोर निंदनीय है, ऐसा कर पाप के भागीदार ना बने। वहीं इस मौके पर परमजीत शर्मा वाइस प्रेसिडेंट विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी ने हितेश पावा द्वारा किए जा समाज सेवा के कार्यों की खूब प्रशंसा की और कहा वह उनके कार्यों को देखते हुए वर्ष 2018 से इनके साथ जुड़े हुए हैं और पिछले कई वर्षों से यह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने के साथ साथ कई प्रकार की समाज सेवाएं दे रहे हैं। मेरा नाम परम शर्मा है, मैं वाइस प्रेसिडेंट विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी का हूँ और ये सोसाइटी मेरे फादर साहब ने शुरू की थी जो 75 में शुरू की थी और अब उसका सारा काम मैं देख रहा हूँ। और मैं 2018 से मुझे हितेश पावा जी के बारे में पता लगा कि ये इतना नेक काम कर रहे हैं तो मैं 2018 से इनके साथ जुड़ा और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में। ये लावारिस डेड बॉडी जो होती है उनका ये संस्कार करते हैं, जो छोटे भ्रूण मिलते हैं उनका हम दफनाते हैं। आज भी एक भ्रूण पाँच महीने का मिला जो कि सेक्टर 21 पंचकूला से मिला इनको, तो इनका फ़ोन आया तो हम अभी उसको दफना के आए हैं। तो हितेश पावा जी जो अपना इस काम कर सेवा कर रहे हैं और ये कई साल से कर रहे हैं, ये 2008 से कर रहे हैं जहाँ तक मुझे पता लगा और मैं तो अभी 2018 से इनको जुड़ा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जो जितने संस्कार करते हैं उसका इसके फूल लेके ये हरिद्वार जाते हैं, मैं भी मुझे भी एक बार जाने का मौका मिला और ये जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं यहाँ जरूर पहुँचता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनके साथ काम करना। दोस्तों नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज हित चैरिटेबल ट्रस्ट को एक चार पाँच महीने का भ्रूण मिला है सेक्टर 21 से, जो हमें ASI जगपाल जी ने दिया। हम उनको लेके आए, अपनी गाड़ी से लेके आया, मैं खुद उसको अब दफनाया विधि पूर्वक प्रार्थना करते हुए। ऐसे ही जो निर्दयी माँ है, उन्होंने पैदा भी बच्चे को अधमरा पैदा करके कहीं ऐसी जंगल में छोड़ दिया नजायज औलाद को। ऐसे कोई बच्चे होते हैं नहीं आप लोगों से पाले जाते, संभाले जाते। मैं कई बार कह चुका हूं और अब भी दोहरा रहा हूं इस बात को, हित चैरिटेबल ट्रस्ट कोई ऐसे बच्चे होते हैं नहीं आप लोग पाल सकते, हमें दें, हम उसका विधि पूर्वक पूरा पालन पोषण करेंगे जैसे कि मैं अपने दो बच्चों का कर रहा हूं। उसी प्रकार चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसे उनकी हत्या ना करें, बहुत पाप है, घिनौर पाप है। और नहीं आप संभाल सकते तो हम इन चीज़ों में हैं। हित चैरिटेबल ट्रस्ट समाज में बहुत ये सेवा के कार्य कर रहे हैं। कल भी दो बॉडियों का संस्कार कर रहा है, आप भी एक बॉडी आ रही है चंडीगढ़ PGI से, अब ये भ्रूण आया है। दिन रात इन्हीं सेवाओं में रहते हैं और हमारे पास हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन मशीन, व्हील चेयर, सक्षम मशीन, ऐसी कई चीज़ें हैं, किसी चीज़ का किराया नहीं है। हम उस सामान की सिक्योरिटी रखते हैं, आप 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आप वापस कर जाएं हमारा सामान और अपने वो पैसे, वही नोट वापस लेके जाएं। किसी चीज़ का हमारा कोई किराया नहीं होता। और ये जो हम कार्य कर रहे हैं एक प्रभु की देन है, ना तो हमारे पास कोई सरकार की हेल्प है, ना निगम की है, ना हम किसी से चंदा लेते हैं, वो डायरेक्ट प्रभु भोलेनाथ हमें इतना दे देते हैं कि ये कार्य करने की शक्ति भी देते हैं, धन भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दोस्तों ऐसे घिनौने पाप ना करें, अगर लोग कोई करते हो या कुछ हो या किसी बच्चे को फेंकना करना हो हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9876113857। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। एक वो भी लोग हैं जो औलाद को तरस रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं होते, वो दर दर कभी कहाँ कहाँ मत्था टेकते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, माता रानी, हमें औलाद दे दो। अगर जिनके पास आ रही है वो नालों में फेंक रहे हैं, झाड़ियों में फेंक रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, ऐसा ना करिए। अगर उन जिनके पास नहीं है उनको दीजिए, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण करेंगे, हम भी करेंगे। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9876113857। धन्यवाद जी।